नमस्कार, मैं वैभव और स्वागत है आपका क्राइम स्टोरीज के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, आज की स्टोरी किसकी है ये मैं नहीं बताऊंगा, मगर स्टोरी खत्म होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टोरी की ओर। गिरधर प्रसाद अपने बंगलों में अकेले रहते थे। उनकी पत्नी का कई साल पहले देहांत हो चुका है। आज उनका बेटा ऋषभ बाहर देश से कई सालों बाद घर लौटा है। वो घर आएगा तो क्या होगा, आइए देखते हैं आगे की स्टोरी में। अरे बेटा आ गए। प्रणाम डैडी। आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा। कैसे हैं आप? आ गए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आप तो बिल्कुल भी नहीं बदले, बिल्कुल वैसे के वैसे ही जैसे छोड़ के गया था। ऐसा लगता है जैसे समय बिल्कुल बदला ही नहीं। बेटा तू तो बिल्कुल बदल गया है। नहीं तो पहले जब यहाँ से गया था तो बकरी की तरह सहमा हुआ रहता था हरदम। अब तो मेरा बेटा बब्बर शेर हो गया है, बब्बर शेर। नहीं डैडी, मैं तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही हूँ। आओ चलो अंदर चलते हैं, आओ। और कैसा चल रहा है डैडी आपका? बस बढ़िया चल रहा बेटा। और बेटा कैसा रहा तुम्हारा सफर? बिल्कुल बढ़िया रहा पापा। पापा मैं तो कहता हूँ कि आप भी लंदन चलो। ना तो आपको देख पाता हूँ, ना तो आपसे बातें कर पाता हूँ। कभी आपकी याद आती है तो कभी आप बिजी रहते हो, कभी मैं बिजी रहता हूँ। और आप वैसे भी क्या करोगे इतने बड़े घर में अकेले रहकर? चलिए ना मेरे साथ। नहीं बेटा, बाप दादा की प्रॉपर्टी है, कोई तो संभालने वाला रहना चाहिए ना। अरे कब तक संभालेंगे पापा आप? वहाँ चलिए मेरे साथ, मैं आपको अपने दोस्तों से मिलवाऊंगा। आपका ये अकेलापन मुझसे देखा नहीं जा रहा। अब तू आया है यहाँ रहे एक दो महीना आराम से, उसके बाद जाना ठीक है? वैसे ये काम कब तक चलेगा, ये फाइनल कब तक हो जाएगा ये घर का? बस हो जाएगा एक महीना और। अच्छा। शीला जी साहब, पानी लेकर आना जरा। जी लीजिए पानी। बेटा ये शीला इस घर की देखभाल करती है, ये ऋषभ मेरा बेटा। बेटा 3 साल से ये हमारे घर पे काम कर रही है। अच्छा। पहले सारे गांव का काम करती थी। अच्छा बाबा। मैंने कहा कि अपने घर में कोई है नहीं काम के लिए, तो इसको रख लिया। ये तो अच्छी बात है। मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ जाओ जाओ। ठीक है। हाँ। हाय, मैं ऋषभ। जी मैं शीला। नाम तो बहुत अच्छा है और माशाल्लाह आप हैं भी बहुत खूबसूरत। मैं कह रहा था कि आप यहाँ पे कब से हैं? यही कुछ 3 साल से। 3 साल से? जी। मुझे भी गए कोई 5 साल ही हुए होंगे। वैसे आपने इस घर को बिल्कुल अपनी तरह रखा है खूबसूरत, और मेरे पापा का भी अच्छा ख्याल रखा है। जी शुक्रिया। वैसे एक बात कहूँ, अदरक थोड़ी तेज कर देंगी तो? मेरे गले में एक्चुअली थोड़ी खराश हो रखी है तो। जी ठीक है, मैं भारी वेट कर रहा हूँ। जी आराम से चाय बनाइए, लेके आइए। हेल्प करा दो क्या? अरे आप? नहीं नहीं। हाँ? मैं कर लूंगी। अरे कितना काम करेंगी, मैं तो कहता हूँ आप मेरे साथ लंदन चलिए ना। वैसे भी मैं वहाँ पर अकेला रहता हूँ, और यहाँ पे आप अकेली करती क्या है, पूरा दिन काम ही काम। हाँ काम करने के लिए तो रखा है। अरे तो वहाँ पे मेरे साथ काम करने के लिए कोई नहीं है, चलेंगे आप? बोलिए। आप तो कुछ भी बोलते हैं। अरे कुछ भी क्या, मैं सही बात कर रहा हूँ। नहीं। हाँ चलेंगी क्या? आज के समय में किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे आप मेरे पे भरोसा करके देखिए ना, और वैसे भी लंदन में आप जैसी खूबसूरती की बहुत कमी है, खासकर मेरे लिए। चलिए चलेंगी। नहीं आप पागल हो गए क्या? वो मुझे भी लग रहा है, जब से आपको देखा है तो थोड़ा सा हो गया है, मेरा घूम गया मेरा भी। देखिए बहुत सारा काम है। अच्छा वही तो मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा हाथ बटा देता हूँ मैं।
थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाएगी और बाकी समझदार हैं आप। शुक्रिया। अब आप जाइए, मुझे काम करने दीजिए, ठीक है? अरे अभी तो मैं आया ही हूँ, जाने के लिए थोड़ी ना आया हूँ मैं, अभी तो एक महीना है मुझे यहाँ पे। अच्छा ठीक है, मुझे खाना बनाने के लिए देर हो रही है, अब मैं जाती हूँ। वैसे क्या बना रही हैं आप? खाली बातें ही बना रही हैं आप। चपाती? हाँ, बेटे को भी तो। शीला तुम कहाँ तक पढ़ी हो? जी 8वीं तक। बस 8वीं तक? ये तो बहुत कम है। जी क्यों, तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? वो घर के हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे कि पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। बेटा ऋषभ, हमारा देश वहां तक अभी तक नहीं पहुंचा है जहां तक शिक्षा पहुंच सकती है। दिखने में तो अच्छे घर की लगती है, फिर ये सब काम क्यों? मैंने इससे पूछा था एक बार, तब शीला ने मुझसे ये बताया कि गांव से कोई आदमी शादी करके लाया था इसे एक बार। अच्छा। एक दिन वो दारू पीकर जा रहा था, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, पैसों की तंगी की वजह से, तो इसने ये काम शुरू कर दिया। हमारे यहाँ शीला जब आई तो हमने इसे यहाँ रख लिया। अब वो बाहर के कमरे में रहती है और पूरा घर देखती है। ये अच्छा किया पापा आपने। जी शीला, खीर लाओगे क्या? जी मैंने बनाई है। हाँ तो जल्दी लेके आओ ना। जरा मुझे पानी देना। अरे खाना तो बहुत टेस्टी बनाया आपने, कहाँ से सीखा तुमने? माँ से। अच्छा। बोलो आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? देखो शीला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। शीला मैंने जब से तुमको पहली बार देखा है ना, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। यही बात मैं पापा के सामने कह नहीं पाया लेकिन अब बोल रहा हूँ। देखो शीला, मेरे पास सब कुछ है, लंदन में मेरा घर है, गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ है। अगर तुम चाहो तो ये हमारा हो सकता है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। देखो तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो चाचा जी आ जाएंगे। मैं चला जाऊंगा यहाँ से, पर तुम मेरे बारे में सोच के कल सुबह बता देना। मैं तुम्हें इस दलदल से बाहर निकालना चाहता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज मेरा यकीन करो शीला। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है शीला। क्या सोचा तुमने शीला? तुम यहां पे अपनी बेकार में क्यों जिंदगी वेस्ट कर रही हो? अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? तुम मेरे साथ चलना चाहती हो या नहीं? तुम समझ नहीं रहे हो, अगर चाचा जी को ये सब के बारे में पता चलेगा ना तो बहुत बुरा होगा। और तुम इन सब में मत पड़ो। मैं अपनी नहीं तुम्हारी बात कर रहा हूं, और वैसे भी पापा को मैं समझा लूंगा, उनको मैं देख लूंगा, ठीक है? बस तुम अपनी राय दो कि तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं। आप जैसा सोच रहे हो ना वैसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो सब तो मुझ पे छोड़ दो, पर तुम अभी सोच लो और फिर से मुझे बताओ कि तुम्हें मेरे साथ चलना है या नहीं। नहीं। अरे ये कैसा बेतुका जवाब है? तुम यहाँ नौकरानी बनी हुई हो और मैं तुम्हें रानी बनाने की बात कर रहा हूँ और तुम मना कर रही हो, क्यों?
मैं तुम्हें इन सब मुसीबतों से दूर लेके जाना चाहता हूँ। आखिर क्यों नहीं चाहती हो तुम? हाँ, क्या वजह है? आपको अभी मेरे बारे में पता ही क्या है? अरे क्या नहीं पता है, बताओ तो सही, मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या चाहिए तुम्हें? देखो, यहाँ काम करने के ना मुझे 10,000 रुपए मिलते हैं, और वो मुझे हर महीने अपने गांव भेजने होते हैं। वहाँ मेरे बाप ने कर्जा ले रखा है, उन 10,000 रुपयों में से हर महीने कर्जा चुकता होता है। पूरे 10 लाख का कर्जा है। बस 10 लाख रुपए मैं तुम्हें ला कर दूंगा, तुम बस अपना कर्जा खत्म करो और चलो मेरे साथ। अरे शीला कहाँ हो, जल्दी आओ, मेरे को कच्चे रंग का कुर्ता नहीं मिल रहा, कहाँ रखा है तुमने? जी चाचा जी, अभी लाई। हाँ जल्दी आओ। वैसे आपको भी वो समझ में आ रहा है जो मेरी समझ में आ रहा है तो फिर ठीक है। वैसे आपने क्या समझा? मैंने तो ये समझा कि नरेंद्र शीला को अपने घर इस ले लिया आया क्योंकि उसको उसके जिस्म की जरूरत थी, मगर यहाँ शीला तो ऋषभ को भी पसंद आने लग गई। मतलब एक चीज अब दो लोगों को चाहिए। आइए देखते आगे क्या होता है। मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर आखिरी तक आप बने रहेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। और बेटा खाना कैसा लग रहा है? पापा खाना बहुत टेस्टी है, घर के खाने की तो बात ही अलग है। बेटा बहुत दिनों के बाद हिंदुस्तान का खाना खा रहा है तू, इसीलिए सच में खाना बहुत टेस्टी लग रहा है। अरे शीला रोटी लेकर आओ। जी लाई। बेटे को दो, रोटी दो इसे। बस बस, खाना तो मेरे बेटे को बहुत पसंद आ रहा है। खाना वाकई में बहुत टेस्टी बना है। जी शुक्रिया, आपके हाथों में जादू है। आपने खाया? बाद में खाऊंगी। हाँ हेलो रामकिशन जी। हाँ बस 10 मिनट में आ रहा हूँ मैं। हाँ बस आ रहा हूँ। ओके ओके, चलो ठीक है, तुम लोग खाना खाओ, ठीक है, मैं आता हूँ मीटिंग से। ठीक है डैडी। तो क्या सोचा? चाचा जी मुझे कभी भी तुम्हारा नहीं होने देंगे। मतलब? मतलब कि वो भी मुझे पसंद करते हैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं सच बोल रही हूँ, और अगर यकीन नहीं है तो 1 बजे के बाद खुद उठकर देख लेना। 1 बजे के बाद? आज रात 1 बजे के बाद? शीला रानी, ओ शीला रानी, शीला रानी, उठो, उठो, उठो। नहीं आज नहीं, आज बिल्कुल भी मूड नहीं है। पर मेरा तो मूड है ना। नहीं नहीं आज नहीं, रोज का रोज करना। नहीं मेरी प्यास बुझा दे। नहीं होगा, नहीं बुझाना ही होगा। नहीं छोड़ो मुझे। पापा इतनी घटिया हरकत कर रहे हैं, ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। आप मेरी नजरों से गिर गए पापा। शीला मैं बाहर जा रहा हूं, समझ गए ना? तुम क्यों सह रही हो ये सब? तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं लाकर तुमको दूंगा। तुम्हारा जितना भी कर्ज है सब खत्म करो और फिर हम लोग निकल जाएंगे यहां से। नहीं
मैं इनसे बदला लेना चाहती क्या? और अगर मैंने इनसे बदला नहीं लिया तो मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। शीला, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बताओ बताओ क्या करना है। इन्होंने बहुत दिनों तक मेरे साथ घिनौना काम किया है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहती, और अगर मैंने इन्हें जिंदा छोड़ दिया तो मैं जीते जी ही मर जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पैसे लेकर आता हूं। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। ये लो पैसे, जाके इसे अपने कमरे में रख दो, मैं तुम्हें रात में मिलता हूं। क्या शीला के लिए ऋषभ अपने बाप को मार देगा, या फिर उसका बाप जानबूझकर बाहर गया हुआ है? क्या होगा आगे की कहानी में? क्या शीला ऋषभ को मिल जाएगी, या फिर कुछ और ही होगा? ये सब बस कुछ ही देर में मालूम हो जाएगा, लेकिन ये कुछ देर बहुत रोमांचक होने वाले हैं। शीला सुनो जरा, मुझे मेरा जवाब चाहिए। जवाब? हाँ, अरे इतना क्या सोच रही हो, जवाब दो भाई, कब से वेट कर रहा हूं मैं तुम्हारा। देखो प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ, लेकिन हमारा फ्यूचर क्या? शीला तुम इन सब चीजों की टेंशन मत लो, तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुमसे, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। अब ठीक है, मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। अभी भी सोचना पड़ेगा? अब तुम्हें कुछ नहीं सोचना है, अब सिर्फ मुझे सोचना है कि तुम्हें यहाँ से कैसे लेकर जाना है, ठीक है? जी। शीला? जी। अरे शीला, मैंने तुमको बोला था कि आलू के पराठे बना देना और चटनी, लेकिन तुमने अभी तक बनाया नहीं। पापा अभी तक देखिए। जी बना देती हूँ, अभी 10 मिनट में लेकर आना, मैं बाहर बैठा हूँ, जल्दी करो। हाँ। पापा के लिए भी एक। हाँ पापा। हाँ। शीला ध्यान से सुन, अगर मेरे बेटे के इर्द गिर्द भी नजर आई तो तुझे जिंदा गाड़ दूंगा, समझे? जी। और हाँ, रात को 1 बजे आ जाना कमरे में, टाइम पे। कहाँ जा रही है तू? पैर दबा चल, बहुत दर्द हो रहा है पैर में। जी। थोड़ा ऊपर, थोड़ा अच्छे से दबा, ऊपर ऊपर और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा ऊपर आ और ऊपर और ऊपर। और ऊपर घर से निकाल कर फेंक दूंगा, फिर करना दूसरे के बिस्तर गरम। चुपचाप जो कहता हूं वो कर, एक बार में समझ में नहीं आता है? जिस काम के लिए लाया गया है वो काम कर, समझ गई ना? तो कौड़ी की नौकरानी। अच्छा ठीक है, करना है तो प्यार से करते हैं ना। ये लीजिए, पहले दूध पी लीजिए। पैर दबाओ प्यार से। जी। हाँ।
वाह, आज तो दूध में स्वाद अलग ही है। क्या बात है, मजा क्या। आह, लगता है आज की रात कुछ ज्यादा रंगीन होने वाली है। जी में क्या मिलाया? शीला, देखो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हम कुछ ऐसा करेंगे कि रिपोर्ट में आएगा कि हार्ट अटैक से इनकी मौत हुई। वो सब तो ठीक है, लेकिन लाश का क्या करना है? गार्डन के पीछे मैंने गड्ढा खोदा है ना, इसे गाड़ देंगे वहां। चलो चलो अपने काम करते हैं। लाश को लपेटो, सही से लपेटो। हाँ। इंडिया में हमारी तुम्हारी आखिरी रात है। ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट। कल हम इंडिया से बाहर चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल, लंदन। हाँ। मैं बहुत खुश हूँ आज। मैं भी। बहुत क्यूट हो तुम। I love you. I love you. ये लो, तुम्हारे लिए। इसकी क्या जरूरत थी? इलायची डाल के बनाया है तुम्हारे लिए। तुमने बनाया है तो पीऊंगा ही। हाँ हाँ। अरे इस दूध की क्या जरूरत थी? मैं तो अरे दूध में क्या क्या था? क्या मिला है? बस थोड़ा सा जहर जो तुमने दिया था अपने पापा को मारने के लिए। तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्यों मारना चाहती हूँ? क्यों मारना चाहती हो? तुमने कहा था ना कभी कि मैं सुलोचना की हूबहू कॉपी लगती हूँ। मैं सुलोचना की कॉपी नहीं हूँ, उसकी जुड़वा बहन हूँ। कमीने साले, छोटी बहन थी वो मेरी। क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? तुमसे प्यार ही तो किया था और विश्वास किया था, और तुमने तुमने उसका विश्वास तोड़ा, उसे धोखा दिया और उसे जान से मार डाला, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें कोई और पसंद थी। अगर तुम्हें कोई और पसंद थी तो उसे मारने की क्या जरूरत थी? उसे छोड़ देते, और वो तुम्हारी वजह से पूरी फैमिली से अलग हो गई थी। उस रात उसने फोन किया था मुझे, परेशान लग रही थी और बोल रही थी कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन यू नो उसको लगा ही नहीं था कि तुम उसके साथ कुछ गलत करोगे। गलत करोगे, तुम्हें पता है पूरे 3 साल मैंने तुम्हारा इंतजार किया। मैंने सोचा था जब मैं यहाँ आई थी कि ये सब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन तुमने आने में इतनी देर कर दी, और तुम्हारे इंतजार में मैं उस भूखे भेड़िए की शिकार हर रोज होती रही। मैं तो उसे मारना भी नहीं चाहती थी,
लेकिन अच्छा किया मैंने उसे मार दिया। गंदे खून थे तुम दोनों, गंदा बाप था वो तुम्हारा, समझे? तुम दोनों बाप बेटे एक जैसे हो, भूखे भेड़िए। अब महसूस कर साले मरने का दर्द क्या होता है। अब मुझे सुकून मिलेगा, मैंने अपना वादा पूरा किया, थोड़ी देर से किया लेकिन किया। छोटी बहन थी वो मेरी, छोटी बहन थी, क्यों मारा तुमने उसे, क्यों मारा, क्यों? कहानी का अंत देख के मेरा तो सर ही चकरा गया। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। ये लालच और हवस ऐसी ही होती है, चाहे वो जायदाद की हो या पैसे की या फिर किसी औरत की, ये परिवार में फूट डाल ही देती है। और एक बात, अगर आप बुरा करेंगे तो बुरा भुगतेंगे। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप बुरा जरूर भुगतेंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।